नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। औरंगाबाद के निजी रिसोर्ट में अभियंता दिवस के मौके पर समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर औरंगाबाद जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री थे। कार्यक्रम में उनके नाम के पहले इंजीनियर श्रीकांत शास्त्री का प्रयोग किया गया। आयोजकों ने बताया कि डीएम साहब आईएएस बनने से पहले सुलझे हुए इंजीनियर थे। बैनर पर भी उनके नाम से पहले इंजीनियर श्रीकांत शास्त्री लिखा हुआ दिखा। इस मौके पर जिला अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आइए पूरे कार्यक्रम को देखते हैं और जिला अधिकारी को सुनते हैं। मुझे उसे देखने का मौका मिला तो मैंने देखकर सोचा उस समय में जहाँ पर कुछ कोई व्यवस्था नहीं थी, इतना बड़ा ढंग का उन्होंने निर्माण किया। कठिन लगन, मेहनत, डेडिकेशन, इसी बहुत काम करता है हम सभी अधिकारी। आज का थीम है कि सरकार के द्वारा रखा गया है इनोवेटिव और सस्टेनेबल। जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसको फ्यूचर में कैसे मिल सकेंगे। हमारे पास पानी सीमित है, वायु सीमित है, हमारे पास पहाड़ सीमित है। पहाड़ को काटते काटते हम लोगों ने खत्म कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जो अभी अभियंता है उन्होंने रोक लगाई पहाड़ खत्म हो जाएगा तो हमारा आगे आने वाली पीढ़ी पहाड़ देखेगा कैसे। उन्होंने कहा इसको हमेशा जरूरी कह सकता है, अगर अगर किताब के पन्नों में ही फोटो में लोग भेजेंगे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कि हमारे पास पहाड़ सब कोई चीज है। हम लोग ठीक आपसे बात करते हैं, ब्रिटिश सोसाइटी का गरीब यूनिवर्सिटी का उसको हमें पालन करना पड़ेगा। कभी हम सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कर सकते हैं। हम सीमेंट बनाते हमारा मटेरियल विभाग सारे काम हम लोग जो नजर सोचने वाले भेजे हुए हैं हम लोग उसी को यूज करते हैं। हम जो रूटीन बात करते हैं उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे विभाग के जो सबसे बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं बहुत अच्छी सी बात उन्होंने कही। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे जो आज के लीडर्स हैं उनकी भी सोच जल्दी जैसी होनी चाहिए, लेकिन हम केवल रूटीन बात करते हैं कुछ सोचते नहीं। और सब काम बताया स्थिति पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको निर्माण करना पड़ता है। हम लोग पुल बना देते हैं, सुंदरता भी कितनी चाहिए उसकी। अब वो समझ नहीं रहा कि नदी में पुल नहीं है किस तरह से पार करने के लिए बना दो। अब वो समझ नहीं रहा कि आप रोड बना दो और रोड पर चले तो गाड़ी चलने लगे आपको इस ऊपर चलना पड़ेगा। गाड़ियाँ जब 100 की स्थिति चलती हैं खास से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है या माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होता है गाड़ियों से भी सच है डर लगता रहता है क्योंकि हमारा रोड वैसा नहीं है। हमारा रोड वैसा क्यों नहीं है? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास रिसोर्सेज है। कमी अगर है कुछ इक्विपमेंट्स में कमी है, हमारे मॉनिटरिंग में कमी है, हमारे सुपरविजन में कमी है। कहीं कहीं काम चलता रहता है तो मैं वहाँ से जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आजकल अभियंता लोग साइट पर टाइम दे रहा साइट पर टाइम देना काम क्या सुन रहा है नहीं दिखता देता है। हम चूंकि अभी उसी पर आया रात में काम करता था और अभी संतोष नहीं होता कितना काम चल रहा है तो मैं खपा करके सो रहा जब भी काम करता था हम साइट पर रहते थे कोई ना कोई जरूर इंजीनियर मिल रहा है या असिस्टेंट मिल रहा है या यूनिवर्सिटी खोलने पर जरूर रहे आज तो नहीं देखते कभी कभी मैं जब व्यक्ति करता हूँ आपसे जो हमारे खास कर इंडियन इंजीनियर सारे हमारे पास वो टैलेंटेड हैं लेकिन थोड़ा उनको मेहनत करने की जरूरत है, जो सिटी बनाने की जरूरत है। मैं छोटा सा अगर बात करता हूँ मैं समझता हूँ कि इंजीनियर इलेक्ट्रिकल बहुत स्ट्रांग होता है, बड़ा एनालाइज करता है चीज़ों को। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो, इंजीनियरिंग पढ़ते हो, सोचते हो, डॉक्टर की वो चीज़ नहीं है। डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, उनको नॉलेज चाहिए, वो काम करेंगे, नॉलेज इकट्ठा करेंगे, काम कर लेंगे। आपको सोचने की जरूरत है तो बिल्डिंग बनाते हैं, आपको सोचना पड़ता है। कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हो
आपको उसमें डिजाइन करते हो, आपको सोचना पड़ता है, प्लान बनाते हो, सोचना पड़ता है।